ओम शांति दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, हमने ओनिडा की CRT टीवी को खोला हुआ है, जिसमें हमने लाइन देकर देखते हैं। ये देखिए मैं लाइन दिया, लेकिन ये देखिए सिर्फ दोस्तों ये ऑन नहीं हो रही है, ये आपकी इंडिकेटर नहीं जल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये आपकी पावर इसमें नहीं जा रही है, सेट डेड है। इस सेट को हम चेक करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके AC सप्लाई की जाँच कर लेते हैं। ये देखिए आपकी मीटर पे सप्लाई शो कर रही है, ये आपकी AC सप्लाई जा रही है। दोस्तों ये आपका सप्लाई फ्यूज के होते हुए ये हम सब सीधा ड्राइवर पे पहुँचते हैं। ये देखिए AC ट्रांसफार्मर पे भी आपकी सप्लाई आ रही है। इसके बाद ये AC सप्लाई से इसको सप्लाई आगे पास होना होता है, पर देखिए हम आगे की तरफ देख रहे हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर का इस हिस्से पर सप्लाई नहीं जा रही है। तो देखिए मीटर पर आपकी सप्लाई नहीं शो कर रही है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये आपका AC ट्रांसफार्मर जो है लीकेज है, मतलब फॉल्ट हो गई है। इसको हम करते क्या, सबसे दोस्तों पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। मीटर द्वारा भी हम कंटिन्यूटी इसको चेक कर सकते हैं लगे लगान। ये देखिए इसमें मीटर जरा भी नहीं शो कर रहा है, मीटर भी हमने लगाया हुआ है तो कहीं से भी किसी पिन का ये शो नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ये आपकी AC ट्रांसफार्मर है दोस्तों। इसमें देखिए देखने से कैसे ही समझ रहा है ये हिस्सा आपका गल गया है। तो दोस्तों ये AC सप्लाई प्रॉब्लम क्यों होता है, ये प्रॉब्लम तभी होगा जब ये आपका आगे से आउटपुट का कोई हिस्सा शॉर्ट होगा। इसमें इसके आगे जो दोस्तों है सिस्टम इसका, ये देखिए आपका स्क्वायर के द्वारा जब सप्लाई पास होता है, ये आपका डायोड पे जाकर ये ब्रिज बनकर ये आपके फिल्टर द्वारा पे सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले इसके द्वारा जो ब्रिज डायोड पे गई है, ये 4 डायोड की ब्रिज बनी हुई है, इसको भी हम जांच कर लेते हैं। ये देखिए डायोड है, इसको हम लगे लगे ही चेक कर लेंगे। देखिए मीटर द्वारा, देखिए मीटर से ये डायोड देखिए आपका ये स्वाट दिख रहा है। एक तरफ से ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है और एक तरफ से फुल दिखाई पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए आपका एक तरफ से बता रहा है और एक तरफ से ये नहीं बता रहा है। और देखिए ये तीसरा डायोड हम चेक करते हैं। ये डायोड देखिए दोस्तों, ये आपका दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है। एक चौथा डायोड देखिए, ये भी दोस्तों ये भी डायोड आपका शॉर्ट बता रहा है। इसमें देखिए दोस्तों जो 4 डायोड का शॉर्ट है, मतलब ब्रिज बना है, इसमें 2 डायोड आपका शॉर्ट बता रहा है। ये दोनों मतलब दोनों तरफ से बता रहा है, ये और ये डायोड और ये डायोड आपका शॉर्ट बता रहा है। और ये जो डायोड है दोस्तों, ये आपका रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये आपका जो डायोड है ये आपका शॉर्ट है। इस डायोड शॉर्ट होने से ये आपका ड्राइवर DT AC ट्रांसफार्मर उड़ गई है। तो सबसे पहले दोस्तों करते क्या है, इस AC ट्रांसफार्मर को इस डायोड को ओपन करके निकाल देते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें से आपका ये SMPS भी निकाल दिया और ये आपकी डायोड जो 2 शॉर्ट थी, हमने ये 4 डायोड को निकाल दिया। इसमें होता क्या दोस्तों, डायोड एम्पियर के हिसाब से होता है। 2 डायोड अगर शॉर्ट हो रहा है तो कोशिश यही करना चाहिए कि इसके 4 डायोड को बदल दें, क्योंकि 2 खराब हो जाएगा, 2 अगर दूसरा आप लगाएंगे तो उसमें आपका एम्पियर कमजोर हो जाता है। और देखिए मैं जो आपका ये निकला है, ये आपका जला वाला SMPS है। ये SMPS देखिए आपका, ये जो पुरानी वाली है, ये देखिए ये आपकी गल गई है। ये डायोड देखिए आपकी जो है, ये आपकी 2 डायोड शॉर्ट है। इसमें देखिए मीटर द्वारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये इस डायोड को हमने चेक किया हुआ है। ये देखिए ये डायोड आपका देखिए ठीक बता रहा है आपका। और इसमें देखिए थोड़ा सा हम दूसरी डायोड चेक करते हैं। ये देखिए आपका मीटर से दोनों तरफ से ये शॉर्ट बता रहा है। इसका मतलब इसका मतलब ये डायोड आपका देखिए
ये आपका देखिए दूसरा डायोड भी 60 बता रहा है, मतलब इसमें दोस्तों दो डायोड आपका ख़राब है और दो डायोड आपका ये सही है। इसके जगह देखिए हम दूसरा चारों डायोड लगाएंगे और ये आपका SMPS ट्रांसफार्मर इसमें हम दूसरा डाल रहे हैं, इसको हम इसमें लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें हमने आपका ये चारों डायोड को चेंज कर दिया और ये आपका हम AC ट्रांसफार्मर भी लगा दिए हैं। इस सेट को देखिए हम अब ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए आपकी रेड इंडिकेटर जल गई। और ये देखिए दोस्तों आपकी सेट ये ऑन हो गई और ये टीवी आपकी ओके हो गई। दोस्तों CRT टीवी, LED टीवी या स्टीरियो संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये आपकी टीवी दोस्तों कंप्लीट हो गई। अच्छा, ओम शांति।